हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्वेश्चन जो है हम कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर और भी एग्जांपल्स लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉलेजेस कब से खुलते हैं कब से नहीं, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा शंका होगी या कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, दिसंबर माह तक यानी कि दिसंबर मंथ में तो नहीं खुलेंगे, जो भी खुल होगा वो नए साल में ही होगा। ठीक है, तो अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ और कोई कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना लिखें, आप पर्सनली ही मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि जो बच्चे हैं उन सबके पास मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनके पास है मेरा, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो e की पावर x प्लस y क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लेना है, d की जगह पर लेना है m और d' की जगह पर लेना है 1। तो ये क्या हो जाता है, एम क्यूब माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रेक कैसे करें, तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एम क्यूब माइनस के 2m स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के एम है प्लस का 2 है, तो इसे तीन फैक्टर बनेंगे, एम क्यूब है तो तीन फैक्टर बनेंगे। तो एक वैल्यू हम यहाँ पर फैक्टर खुद बना लेते हैं, एम बराबर जो है 1 रखने पर चेक हो जाएगा कि 0 बनता है या नहीं, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 सब कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अब देखो, आप m माइनस 1 को तीन बार लिख दो जिससे आपको बाकी के फैक्टर मिल जाएंगे। तो m क्यूब है, यहाँ पर m है, यहाँ पर क्या चाहिए, m स्क्वायर चाहिए और माइनस के m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, 2 माइनस के 2 m स्क्वायर है, एक m स्क्वायर कम पड़ रहा है तो माइनस के m लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी m है ही, माइनस के m स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस के एम, यहाँ पर किसका है, माइनस का एम है, तो माइनस के 2 में से अगर 2m में से अगर प्लस का एम जाएगा तभी तो माइनस का एम बचेगा, माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस के 2 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। देन इसका फैक्टर हो जाएगा m माइनस 1 m प्लस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और m माइनस 2। ठीक है, तो तीन वैल्यूज हो गई यहाँ पर, 1 माइनस 1 और प्लस 2। ठीक है, तीन फैक्टर हैं ये किसके, एम के। तो सी एफ क्या हो जाएगा, जैसे हम सी एफ निकालते आ रहे हैं वैसे हम सी एफ निकालेंगे यहाँ पे, और वो हो जाएगा फाइव 1 वाई प्लस एक्स प्लस फाइव 2 वाई माइनस एक्स प्लस फाइव 3 वाई प्लस 2x। ठीक है, अगेन हमारे पास जो पी आई है वो क्या होगा, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस के डी डी डैश का स्क्वायर और प्लस 2 डी डैश का और क्यूब। ठीक है, और ई की पावर एक्स प्लस वाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो टर्म है ध्यान रखते करते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब वही काम करना है, दोनों टर्म है कि f ऑफ ab बराबर में क्या होना चाहिए,
अगर जीरो है तो कंडीशन अलग है, नॉट इक्वल टू जीरो तो कंडीशन अलग है। तो एक्स वाई रख के देखो यहाँ पे, ठीक है। पी आई निकालने के लिए हमें एक्स वाई रख के देखना पड़ेगा। तो डीजे रखते हैं हम एक्स यानी कि वन, वन माइनस के टू इंटू में वन, ठीक है। और माइनस के यहाँ पे रख दो वन तो वन हो जाएगा, प्लस के टू, भाई जीरो बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें एफ ऑफ ए बी बराबर जीरो वाली टर्म मिल रही है। तो हम इसके फैक्टर पहले निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस वजह से जीरो बन रहा है। तो बन रहा है डी बराबर वन रख के, ये बन रहा है टू रख के, ये बन रहा है माइनस वन रख के, ठीक है। तो वो तो सिर्फ एम की वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ए और बी की वैल्यू के लिए है ना। तो ए डी बराबर क्या रखें और डी डैश बराबर क्या 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 रखें, हमारे पास वैल्यू बन रही है तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे वन वन रख के तो बन ही रहा है, ठीक है। और फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर क्या बन जाएंगे इसमें, वन अपॉन डी माइनस डी डैश, ठीक है। क्योंकि क्या है हमारे पास एम माइनस वन है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास एम प्लस वन है, और एक क्या है एम माइनस टू है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा डी एम की जगह पर, ये हो जाएगा डी डैश, ठीक है। एस निकालते हैं, ये डी और ये प्लस डी डैश, और ये हो जाएगा डी माइनस के डी डैश, ठीक है। पहले हम यहाँ पे डी माइनस के टू डी डैश, सॉरी माइनस के टू डी डैश वाई टर्म को ई की पावर एस प्लस वाई से संक्रिया करा देते हैं। तो आप देखिए ये तो जीरो बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक्स पावर वन रखोगे, वाई बराबर रखोगे वन, तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे क्या देगा, माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। वन माइनस टू और इसका क्या हो जाएगा समाकल, जीरो नहीं बना ना ये, वन अपॉन वन माइनस टू और समाकल, समाकल किसका हो जाएगा एस प्लस वाई का। एस प्लस वाई को हम क्या मानेंगे, एस प्लस वाई क्या हो जाएगा यू मानेंगे, तो क्या हो जाएगा डी एस बराबर डी यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश हो जाएगा वन, ये माइनस वन बार और ई की पावर यू डी यू, और ई बार यू का क्या होता है समाकल, इसकी पावर यू ही होता है, इसकी पावर यू, और ई की पावर यू का हम वापस रख देंगे अगर, तो क्या देगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर डी प्लस डी डैश लेते हैं, क्योंकि डी माइनस डी डैश लोग जीरो बना देगा, ठीक है। तो डी प्लस डी डैश लेते हैं तो वन प्लस वन हो जाएगा, मैं इसको वाला से लिख लेता हूँ, वन अपॉन डी प्लस डी डैश और ई की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वन अपॉन डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर जाएगा वन प्लस वन यानी कि टू, ठीक है। और वन बाई टू समाकल करेंगे तो वापस से ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा हमें, हम वापस समाकल कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई को हमें यू मानना पड़ेगा, ठीक है। वही वैसा इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो e की पावर u और du, तो e की पावर u du का क्या होता है, e की पावर u अपॉन du होता है, e की पावर u अपॉन u बाई टू, ठीक है। माइनस वन अपॉन उसका नहीं करते, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है वन है, और ई की पावर वापस से हम दे देते हैं एस प्लस वाई, ठीक है अपॉन टू, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन डी माइनस डी डैश रखेंगे जीरो बन जाएगा, तो एक्स पावर आर वाली टर्म यहाँ पे ले लेते हैं। तो माइनस के एक्स की पावर आर, आर का मतलब क्या है वन अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि वन की पावर या वन फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके अलावा क्या है बी फैक्टोरियल, तो बी की वैल्यू कितनी है वन है ना, तो वन फैक्टोरियल हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा वन, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई, साथ में क्या आ जाएगा टू,
ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस का 1/2, यानी कि एक्स की पावर एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, दिए हुए समीकरण का व्यापक हल, दिए हुए समीकरण का व्यापक हल जो होगा हमारे पास वो होगा जेड बराबर 5 1 वाई प्लस एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस एक्स प्लस 5 3 वाई प्लस 2 एक्स और माइनस के हाफ ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया भाई, रूल याद है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कितनी बार आकलन करना है वो आपको पता चल ही गया था पहले भी, यहाँ पर आप सोच रहे हो पहले 2 बार आकलन किया था हमने, अब आप 1 बार आकलन कर रहे हो, तो यहाँ पर बताया था कि जितनी पावर होती है, जितनी डी डी रेस की पावर होती है उतनी बार आकलन किया जाता है, यहाँ पर डी स्क्वायर होता तो 2 बार आकलन कर देते। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने किए हैं भाई, सारे एग्जाम्पल आपको करना ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन भी हो जाए। तो d प्लस डी डैश इंटू जेड बराबर क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, d प्लस डी डैश जगह पर आपके पास आ सकता है सवाल p प्लस क्यू बराबर में साइन एक्स, क्योंकि आप जानते हो कि p की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है, और q की वैल्यू डेल अपॉन डेल वाई। तो यहां पर हम लिख चलते हैं भाई, डी जगह क्या जाएगा m और यहाँ पर क्या जाएगा 1 बाहर में 0। ठीक है, यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा -1, तो सी एफ क्या हो जाएगा C1 e की पावर, सॉरी e की पावर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 और y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स 5 1, और ये एक ही टर्म है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है निकाल रहे हैं क्या जेड की वैल्यू, तो पी आई जब हम ज्ञात करते हैं वो क्या है, 1 अपॉन डी प्लस डी डैश और इंटू में क्या आ रहा है साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स की जगह पर यहाँ पे वैसे आने क्या चाहिए, साइन ए एक्स प्लस बी वाली टर्म आनी चाहिए, तो हम साइन एक्स को कह सकते हैं कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई टर्म आनी चाहिए बी वाई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कि a इंटू एक्स है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, जब हम कर सकते हैं काम, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर इसको कर सकते हैं d डैश को कॉमन लेकर जो हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस दोनों से ही कर लेते हैं सवाल का आंसर से ही आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, जगह हम रखेंगे a यानी कि 1 और d डैश की जगह हम रखेंगे b बराबर 0। ठीक है, तो d हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 0 और sin x में हो जाएगा समाकल, एक बार sin u मान लो या sin x dx ही कर लो क्योंकि ऐसी कोई टर्म है नहीं। ठीक है, या फिर x प्लस b वाई के हिसाब से आप खाली एक्स यू मानो तब भी साइन यू और डी यू होगा, तो बार तो आया 1 और साइन से क्या हो जाता है माइनस के कोस एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट क्या देगा आपका माइनस के कोस एक्स। तो मैं आपको सवाल इसलिए करा रहा है कि बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें हल्का सा सोचना पड़ा कि खाली एक्स सर अब क्या करें, तो आप हमेशा याद रखो ना कि टर्म जो आपके पास वो ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर है, तो ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म बना के देख लो, खाली एक्स दे रखा है तो सवाल अब क्या होगा बी बराबर जीरो होगा,
ठीक है, एक्स में यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, कंपेयर करके देखेंगे तो जो जेड है हमारा वो हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई देन फाइव वन वाई माइनस एक्स माइनस के कोस एक्स जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तरीका जो है वो समझना कोई मुश्किल नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको यहां पर डी के साथ में डी डैश यानी कि डेल अपॉन डेल एस के साथ में डेल अपॉन डेल वाई का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए भी रूल बनाने हैं, उसके लिए रूल पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छे उस कंसेप्ट अपना क्लियर करें, जिससे क्या है बाद में जब आप एमएससी के अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ने वाला आपको पीछे छोड़ देगी। डिफरेंशियल जो है अगर आप एमएससी करते हैं तो उसमें भी इसका एक पेपर है पूरा, और वो हायर डिफरेंशियल है यानी कि हम कहते हैं एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाद में दोबारा से उसको कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, आपको पढ़ने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आपको कंसेप्ट क्लियर है ये माना जाएगा, राइट। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।